हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आपका दोस्त गुलजार। आज पहुँचाऊँ दोस्तों मैं नेहरू स्टेडियम जहाँ लगा हुआ है हॉर्न ओके प्लीज़ फूड फेस्टिवल। और यहाँ पे देखेंगे आप गेट नंबर 2 से एंट्री करनी होगी और यहाँ पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो आपको मिलेगी गेट नंबर 6, 7, 8 और 9 पर। और यहाँ गेट नंबर 5 पे आपको बॉक्स ऑफिस है जहाँ पर आप हॉर्न ओके प्लीज़ की टिकट ले सकते हैं। और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का, वहाँ से आप शेयरिंग ऑटो लेके यहाँ पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो ये देख रहे हैं आप सामने, यहाँ पर आप फिजिकल टिकट ले सकते हैं इस तरीके से। ऑनलाइन भी बुक करा रखी होगी तो भी यहाँ से आपको फिजिकल टिकट मिल जाएगा। तो अंदर हम चलते हैं और देखते हैं, आपको देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे आप 360 वीडियो ले सकते हैं, अपनी फ़ोटो ले सकते हैं और ये अलग अलग तरीके के कई जगह पर यहाँ सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको बहुत ही नज़दीक से दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। आप मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अंदर और क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है हम लोग को। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे यूथ के लिए काफ़ी अच्छा है, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस और काफ़ी फैशनेबल आइटम बुक्स। और ये देखेंगे आप ड्रेस, अलग अलग तरीके के टॉयज़ वगैरह भी हैं, मतलब यहाँ काफ़ी माहौल ऐसा बहुत बेहतरीन तरीके से बना रखा है। बड़ा ही अमेजिंग इस बार का ये फूड फेस्टिवल लगा हुआ है दोस्तों। पिछली दफ़ा के मुकाबले इस बार काफ़ी अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। इस तरीके से देखिए अलग अलग जैसे स्टॉल लगे हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, कुछ खाने पीने के हैं, कुछ कपड़ों के हैं और बहुत सारी ऐसी आइसक्रीम आइटम्स हैं। जैसे ये देखेंगे आप आइसक्रीम वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं, बिक भी रही हैं, फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं अलग अलग, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब एक ही जगह पर मिलने वाली हैं फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं अंदर का सारा कुछ और पूरा टूर आप इसका फूड फेस्टिवल का करने वाले एंजॉय करेंगे देख के। और अगर वक्त निकाल सकें अपनी लाइफ से थोड़ा सा तो यहाँ एंजॉय करने के लिए ज़रूर जाएं दोस्तों। भले ही यहाँ का टिकट थोड़ा महंगा है, 500 रुपीज़ की पर हेड टिकट है यहाँ पर, लेकिन बड़ा ही अमेजिंग ये फूड फेस्टिवल लगा है। यहाँ पे आपको एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं, यहाँ पे गेम्स होने वाले हैं अलग अलग तरीके के। देखिए खाने पीने का तो यहाँ है ही, फूड फेस्टिवल तो इसका नाम ही है हॉर्न ओके प्लीज़, लेकिन साथ ही यहाँ पे आपको एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप यहाँ पे वो एंजॉय करेंगे। मौसम का अगर देखा जाए तो बहुत ही रंगीन और संगीन मिजाज इस टाइम बना हुआ है, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अलग अलग तरीके के यहाँ पर फूड्स को इंजॉय करेंगे आप, और अगर आपका मन करता है शॉपिंग करने का तो उसका भी यहाँ बखूबी इंतज़ाम किया हुआ है। साथ ही देखेंगे आप ज्वेलरी आइटम है गर्ल्स वगैरह के लिए, तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे ज्वेलरीज़ भी हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो ज्वेलरीज़ के अंदर मार्केट में आपको हर जगह नहीं मिलती देखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर ज्वेलरीज इनके पास में है, भैंसा के पास में, काफ़ी अच्छे चीप रेट्स में भी मिल जाएंगी आपको। तो अब आगे यहाँ पर म्यूज़िक प्रोग्राम भी है, तो ये देख रहे हैं आप सामने, ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के क्लॉथ्स वगैरह मिल जाएंगे वे, और काफ़ी अच्छे गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सामने इस तरीके के यहाँ पे आपको गेम्स भी खेलने के लिए मिलने वाले हैं, अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे गेम्स यहाँ पे लगाए गए हैं जिसमें आपको गेम तो खेलेंगे साथ ही प्राइज़ भी आप उसमें जीत सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर आपको डालना होगा गोल इसके अंदर बॉल, और उसमें आप जो जीतेंगे वो नाम प्राइज़ आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो